हेलो एवरीबॉडी, आज आप सीखेंगे प्रोग्राम 7-11, प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग फंक्शन। हम फंक्शन के एग्जीक्यूशन से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को समझेंगे, जैसे कि प्रोग्राम 7-11 प्रिंट यूजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है, हेलो पाइथन। इस फंक्शन को कॉल किया गया है और इसके जस्ट बाद फंक्शन को डिफाइन किया गया है, हेलो पाइथन प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग। फंक्शन डेफिनेशन: ऑन एग्जीक्यूटिंग द एबव कोड द फॉलोइंग एरर इज प्रोड्यूस्ड। अगर आप ऊपर दिए गए कोड को रन करेंगे तो एरर आएगी। अब वो क्या एरर है, इसको रीड करिए। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल सी एन सी आर टी प्रोग्रामिंग 7-11 पाई लाइन 3 इन मॉड्यूल हेलो पाइथन फंक्शन नेम एरर नेम हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, द एरर फंक्शन नॉट डिफाइंड इज प्रोड्यूस्ड इवन दो द फंक्शन हैज बीन डिफाइंड। एरर आ रही है कि फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हमने तो फंक्शन को डिफाइन किया है, तो ये फिर एरर क्यों आ रही है। व्हेन अ फंक्शन कॉल इज एनकाउंटर्ड द कंट्रोल हैज टू जंप टू द फंक्शन डेफिनेशन एंड एग्जीक्यूट इट। In the above program, since the function call precedes the function definition, the interpreter does not find the function definition and hence an error is raised. देखिए, इस प्रकार के प्रोग्राम में दिक्कत ये है कि पहले तो हमने फंक्शन को कॉल कर लिया और बाद में डिफाइन किया, और पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर नहीं होता है, तो इसमें प्रोग्राम जो होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो पहले जब फंक्शन कॉल हो गया तो उसका उसका डेफिनेशन उसको मिला ही नहीं, इसलिए इस प्रकार की एरर आती है। अगर कंपाइलर होता तो इस प्रकार की एरर नहीं आती, जैसे कि सी प्लस प्लस में इस तरह की एरर नहीं आती, लेकिन ये पाइथन है, इंटरप्रेटर है, तो पहले ही फंक्शन कॉल हो गया बिना डेफिनेशन के पहले, इसलिए इस प्रकार की एरर आती है। तो फंक्शन को कॉल करने के पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है, उसके बाद ही कॉल करें। दैट इज वाई द फंक्शन डेफिनेशन शुड बी मेड बिफोर द फंक्शन कॉल एज सोन बिलो। इसलिए फंक्शन का डेफिनेशन पहले करना चाहिए और उसको कॉल बाद में करना चाहिए। जैसे कि अगर उसी प्रोग्राम को हम इस तरह से टाइप करेंगे, डेव हेलो पाइथन प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग, हेलो पाइथन को कॉल कर लिया, तो इस तरह के प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं आइडियली पाइथन में। ये हमारा आइडियली पाइथन, इसमें हम प्रोग्राम टाइप करेंगे, यहाँ पर हम न्यू फाइल करेंगे, इस एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, डिफाइन हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, इसको हमने कॉल कर लिया है, नहीं पहले हम कॉल करते हैं बाद में डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एरर का भी पता चल जाएगा। ये देखिए, इसको हमने कॉल कर लिया और बाद में हम डिफाइन करेंगे हेलो पाइथन को, हेलो हेलो पाइथन, ठीक है, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा, आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव प्रोग्रामिंग। ये देखिए, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, रन मॉड्यूल पर क्लिक कर दिया, इस प्रोग्राम का नाम हेलो रख देते हैं, हेलो वन कर देते हैं, सेव कर दिया। देखिए एरर आ गई, नेम एरर नेम हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड, इस तरह की एरर आएगी। क्यों आई एरर, क्योंकि आपने कॉल कर लिया पहले और डिफाइन किया बाद में। अब इस कॉलिंग जो फंक्शन, इसको कट करके हमने नीचे पेस्ट कर दिया, ये देखिए इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया और रन किया इसको, तो अब कोई एरर नहीं आएगी। ये देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि पाइथन में किस तरह का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आगे कोई एरर नहीं आएगी। चलिए आगे समझते हैं। डेफ ग्रीटिंग्स नेम फंक्शन हेडर है, इसमें फंक्शन का नाम ग्रीटिंग्स है और इसमें एक आर्गुमेंट पास किया गया है नेम, और इसमें जो भी आर्गुमेंट पास किया जाएगा उसको वो प्रिंट कर देगा, प्रिंट हेलो प्लस नेम, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल किया, ग्रीटिंग्स जॉन,
तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट इसके बाद प्रिंट थैंक्स, तो जॉन फंक्शन कॉल होगा तो नेम में जॉन असाइन हो जाएगा, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो जॉन, और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा थैंक्स। चलिए इस फंक्शन को भी हम बनाते हैं, ग्रीटिंग फंक्शन को बनाएंगे हम, इसको हम मिटा देते हैं। फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग, ग्रीटिंग इसमें एक आर्गुमेंट है स्ट्रिंग, जो भी इसमें स्ट्रिंग पास की जाएगी वो प्रिंट होगी। कैसे, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा हेलो, इसके बाद प्लस नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, ग्रीटिंग फंक्शन को हम कॉल कर लें और इसमें हम नाम पास कर दें पंकज, ठीक है, सोनी भी लिख देते हैं पंकज सोनी, और यहाँ पर ये लीजिए, और एक और प्रिंट करते एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं थैंक्स, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये देखिए इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है क्योंकि हमें फंक्शन जब भी डिफाइन करते हैं तो कोलन लगाना पड़ता है। तो देखिए रन मॉड्यूल पर क्लिक कर दिया और ये देखिए हेलो पंकज सोनी थैंक्स का मैसेज आ चुका है। तो इससे आपने क्या सीखा, आप यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में हमने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से पाइथन सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए क्योंकि इससे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि पाइथन का अगला वीडियो आ चुका है। धन्यवाद।